हेलो दोस्तों, मेक माय सेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीपोजिशन में हम एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तथा एमटीएस के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने हमारा प्रीपोजिशन का पूरा सीरीज देख लिया तो उसके बाद से प्रीपोजिशन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हम प्रीपोजिशन पर एक पूरी बेहतर सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का में आज हम गेट के साथ एट का प्रयोग करेंगे या फिर गेट के साथ ओवर का प्रयोग करेंगे या फिर गेट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले प्रीवियस प्रीपोजिशन के वीडियोस बनाए हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गेट एट, गेट ओवर या फिर गेट ऑन, तो हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। गेट के साथ ऐड का भी प्रयोग करते हैं, गेट के साथ ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं और गेट के साथ ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेट के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे तो गेट के साथ ऐड पता लगाना, तथ्य बोधक अर्थ में किसी तथ्य का पता लगाना। गेट ओवर विजय प्राप्त करना या फिर स्वस्थ होना, किसी बीमारी पर विजय प्राप्त करना या फिर किसी कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के अर्थ में हम गेट के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं। यदि गेट के साथ ऑन का प्रयोग किया जाए तो गेट के साथ ऑन निर्वाह करने के अर्थ में होता है। गेट ऑन किसी तरह निर्वाह करना व्यक्तिबोधक अर्थ में। तो चलिए हम गेट एट देखते हैं। गेट एट का अर्थ होता है पता लगाना, तथ्य बोधक अर्थ में किसी तथ्य का पता लगाना, किसी जानकारी का पता लगाना, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान का पता लगाने के अर्थ में हम गेट एट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम गेट एट का प्रयोग पता लगाने के अर्थ में, तथ्य बोधक अर्थ में होता है। तो यदि कोई तथ्य बोधक अर्थ है गेट एट समथिंग, यदि कोई बीमारी या फिर कोई कुछ भी अगर जो आया जाए तो उसके साथ हम गेट एट का प्रयोग करते हैं। पता लगाना कोई सी कानून विज्ञान की कोई खोज करना या फिर पता लगाना, उसके लिए हम गेट एट का प्रयोग करते हैं। तो गेट एट का प्रयोग तथ्य के पता लगाने के अर्थ में होता है। गेट एट सम हिस्ट्री गाइडलाइंस, हिस्ट्री की कुछ गाइडलाइंस जो पुरानी अवस्थाएं में पड़ी हुई हैं या फिर वैदिक काल से संबंधित कुछ जो सन है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, फिर खुदाई से प्राप्त जानकारी के लिए हम गेट एट का प्रयोग कर रहे हैं। गेट एट वैदिक काल एजेस के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। गेट ओवर, गेट ओवर का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना या फिर स्वस्थ होना। स्वस्थ होना का हम बीमारी से विजय प्राप्त करने के अर्थ में भी हम इसका देखते हैं। तो गेट ओवर का होता है विजय प्राप्त करना किसी बीमारी या किसी कठिनाई के अर्थ में। गेट ओवर हैजा, गेट ओवर फीवर, इसके लिए हम गेट ओवर का प्रयोग करते हैं। गेट ओवर कैंसर, तो गेट के साथ यदि बीच में गैप हो, ओवर या फिर कुछ गेट के साथ यदि कैंसर या फिर किसी बीमारी का नाम है तो उसके साथ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। लास्ट गेट ऑन, गेट ऑन का अर्थ होता है निर्वाह करना, गेट के साथ यदि ऑन का प्रयोग किया जाए तो निर्वाह करना होता है। गेट ऑन हर लाइफ, गेट ऑन हिज लाइफ, तो जैसे किसी व्यक्ति है कोई अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है तो उसके लिए हम गेट ऑन का प्रयोग करें। साधारण जीवन निर्वाह के अर्थ में हम गेट ऑन का प्रयोग करते हैं व्यक्तिबोधक अर्थ में। तो इसमें हमने जाना कि गेट एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, गेट ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, गेट ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है, इस वीडियो में हमने सारे कन्फ्यूजन दूर किए हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन एसएससी के कई परीक्षाओं में पूछे गए तथा प्रीपोजिशन पे हमने एसएससी से संबंधित कुछ वीडियोज और बनाई हैं जो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है तथा एसएससी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी से संबंधित जनरल साइंस के कुछ क्लासेस भी चलाई हैं। तो यदि वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर उस चैनल पर हमारे जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की प्रीपोजिशन तथा इंग्लिश से संबंधित अन्य वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी वीडियोस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तथा आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होंगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।